हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर मूवी वाला पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साउथ की टॉप 8 सीरियल किलर या साइको किलर टाइप की मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज, जो आपको भी काफी पसंद आने वाली है। और इनमें से कुछ मूवीज हिंदी डब नहीं है, लेकिन हाँ, ये सारी की सारी मूवीज मस्ट वॉच मूवीज है। और साथ ही हमने इन मूवीज के लिंक के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए जानते हैं अपनी फर्स्ट मूवी के बारे में। लिस्ट के नंबर 1 पर आती है फिल्म पोनमाल वंदन, और ये 2020 की एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है, जिसको IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग मिली और गूगल यूजर्स ने मूवी को 92% लाइक किया। मूवी में आपको ज्योतिका मैम, आर पार्थिवन और विद्या प्रदीप जैसे कलाकार लीड रोल में देखने को मिलेंगे। गाइज, बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, तो मूवी एक सीरियल किलर ज्योति से शुरू होती है, जिस पर बहुत सारे बच्चों को किडनैप करने और उनका मर्डर करने का आरोप है। इसीलिए कोर्ट द्वारा उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। और इसके 15 साल बाद एक ईमानदार वकील सामने आती है, जो उस सीरियल किलर ज्योति के मामले को फिर से रीओपन करती है। अब दोस्तों, क्या ज्योति सच में सीरियल किलर है और आगे मूवी में क्या होगा, जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। मूवी काफी अच्छी है, जो आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। लिस्ट के नंबर 2 पर आती है फिल्म अनुक्षणम, और ये 2014 की एक स्लैशर थ्रिलर मूवी है, जिसको IMDb की तरफ से 7 out of 10 स्टार की रेटिंग मिली और गूगल यूजर्स ने मूवी को 84% लाइक किया। मूवी में आपको विष्णु मांचू, मधुशालिनी और सूर्या राव जैसे कलाकार लीड रोल में देखने को मिल जाएंगे। गाइज, बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, तो मूवी एक खूंखार साइको किलर से स्टार्ट होती है, जो लड़कियों का रेप करने के बाद उनके बॉडी पार्ट्स को बहुत ही बेरहमी से घायल करता है और फिर उनको मार देता है। और जिसके बाद उस साइको किलर को पकड़ने की जिम्मेदारी DCP गौतम को सौंपी जाती है। अब दोस्तों, क्या वो DCP गौतम उस साइको किलर को पकड़ पाने में कामयाब होगा और उसे पकड़ने के दौरान उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। और ये रथ शासन जैसी एक कमाल की मूवी है, जो आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। लिस्ट के नंबर 3 पर आती है फिल्म युद्धम से ही, जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया है क्राइम केस 99, और ये 2011 की एक नोयर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसको IMDb की तरफ से 8 out of 10 स्टार की रेटिंग मिली और गूगल यूजर्स ने मूवी को 89% लाइक किया। मूवी में आपको चेरन, लक्ष्मी रामकृष्ण और दीपा शाह जैसे कलाकार लीड रोल में देखने को मिलेंगे। गाइज, बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, तो मूवी की स्टार्टिंग एक ईमानदार सब CID अधिकारी जैकी से होती है, जो अचानक से लापता हुई अपनी बहन को खोज रहा होता है। लेकिन तभी उसे एक सनसनीखेज केस इन्वेस्टिगेट करने को मिलता है, जिसमें पैक किए गए शरीर के अलग अलग हिस्से लगातार मिल रहे होते हैं। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी मिस्ट्री सामने लाती है, जो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड है। अब दोस्तों, वो क्या मिस्ट्री है और आगे मूवी में क्या होगा, जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। और ये रथ शासन से भी खतरनाक मूवी है, जो आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी, तो मूवी आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। लिस्ट के नंबर 4 पर आती है फिल्म द स्टोरमैन मर्डर्स, और ये 2009 की एक क्राइम मिस्ट्री मूवी है, जिसको IMDb की तरफ से 7.4 out of 10 स्टार की रेटिंग मिली और 93% गूगल यूजर्स ने मूवी को लाइक किया। मूवी में आपको KK मेनन, अरबाज खान और रुखसार रहमान जैसे कलाकार लीड रोल में देखने को मिल जाएंगे। गाइज, बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, तो मूवी 80 के दशक के बॉम्बे को दिखाती है, जहां पर एक सीरियल किलर बेघर सड़क पर रहने वालों को अपना निशाना बनाता है और बेदर्दी से उनका मर्डर करता है। और जब इसी तरह के कई केस सामने आते हैं, तो एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर उस सीरियल किलर को पकड़ने का फैसला करता है। अब दोस्तों, क्या वो पुलिस ऑफिसर उस सीरियल किलर को पकड़ पाने में कामयाब होगा और पुलिस उसे किस प्रकार पकड़ती है, मूवी में ये सब जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और ये भी एक कमाल की मूवी है, जो आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। लिस्ट के नंबर 5 पर आती है मूवी जैक द रिपर, और ये 2016 की हॉलीवुड की एक थ्रिलर मूवी है, जिसको IMDb की तरफ से 5.3 out of 10 स्टार की रेटिंग मिली और गूगल यूजर्स ने मूवी को 91% लाइक किया। गाइज, बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, तो मूवी की कहानी एक रियल लाइफ सीरियल किलर पर बेस्ड है, जो 1880 के दशक में प्रोस्टिट्यूट करने वाली महिलाओं के सभी ऑर्गन्स को बॉडी से निकालने के बाद वो सीरियल किलर उनके प्राइवेट पार्ट्स को भी निकाल लेता है और बाद में उनके प्राइवेट पार्ट्स को पकाकर खा जाता है। अब दोस्तों, वो सीरियल किलर ऐसा क्यों करता है और वो कैसे पकड़ा जाता है, जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। और ये सीरियल किलर इतना डेंजर था कि इसके बारे में अच्छे से जानने के लिए आप गूगल कर सकते हो, और ये एक मस्ट वॉच मूवी है, इसीलिए मैंने ये मूवी आपके साथ शेयर की। लिस्ट के नंबर 6 पर आती है मूवी साइको, और ये 2020 की एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है, जिसको IMDb की तरफ से 6.3 out of 10 स्टार की रेटिंग मिली और गूगल यूजर्स ने मूवी को 81% लाइक किया। मूवी में आपको उदयनिधि स्टेलिन, नित्या मेनन और हदीदि राव हेदरी जैसे कलाकार लीड रोल में देखने को मिल जाएंगे। गाइज, बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, तो मूवी में गौतम अंधा है, जो कुछ देख नहीं सकता। और इसी बीच एक दिन एक साइको किलर गौतम की गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लेता है, और जिसके बाद गौतम एक पैरालाइज लेडी इंस्पेक्टर की हेल्प से अपनी गर्लफ्रेंड को उस साइको किलर से बचाने की कोशिश करता है।
अब दोस्तों क्या गौतम अपनी गर्लफ्रेंड को उस साइको किलर से बचा पाने में कामयाब होगा और इस दौरान उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। और ये एक कमाल की मूवी है जो आपको किसी भी हाल में मिस नहीं करनी चाहिए। लिस्ट के नंबर 7 पर आती है मूवी कोलाइगरन, जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया है डेडली कोप। और ये 2019 की एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसको IMDB की तरफ से 7.2 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग मिली और 90% गूगल यूजर्स ने मूवी को लाइक किया। मूवी में आपको अर्जुन सरजा, विजय एंथोनी और आसिमा नरवाल जैसे कलाकार लीड रोल में देखने को मिल जाएंगे। गाइज बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में तो मूवी की कहानी एक क्राइम ब्रांच ऑफिसर कार्तिकेयन से शुरू होती है, जिसको एक आदमी के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन का मामला सौंपा गया है और उस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे हत्यारे के खिलाफ कोई खास सुराग नहीं मिलते। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब देखने को मिलता है जब एक IPS ऑफिसर खुद आकर सरेंडर करता है कि उस आदमी का मर्डर उसी ने किया है। अब दोस्तों उस आदमी के मर्डर के पीछे की मिस्ट्री क्या है और क्या वो क्राइम ब्रांच ऑफिसर उस मर्डर की मिस्ट्री को सोल्व कर पाने में कामयाब होगा, जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। मूवी की हिंदी डबिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसे हिंदी में डेडली कोप नाम से डब किया गया है और बहुत जल्दी ये मूवी आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएगी। लिस्ट के नंबर 8 पर आती है मूवी निजाल, और ये 2021 की एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसको IMDB की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग मिली और गूगल यूजर्स ने मूवी को 85% लाइक किया। मूवी में आपको कुंचको बबन, नयनतारा और दिव्या प्रभा जैसे कलाकार लीड रोल में देखने को मिल जाएंगे। गाइज बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में तो मूवी की कहानी एक जज से शुरू होती है जिसकी मुलाकात एक 8 साल के छोटे बच्चे से होती है जो उस जज को एक मर्डर की कहानी सुनाता है। लेकिन जब वो जज उस बच्चे की कहानी की जांच करने का फैसला करता है तो वो पाता है कि वो कहानी करीब 30 साल पहले हुए एक अनसुलझे मर्डर की स्टोरी है। अब दोस्तों उस 8 साल के बच्चे को 30 साल पहले हुए उस मर्डर के बारे में कैसे पता चला और आगे मूवी में क्या होगा, जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। और ये मूवी सालों पहले हुए एक मर्डर की मिस्ट्री को उजागर करती है, तो ये मूवी आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखना मत भूलिएगा। और इससे पहले यानी कल का जो हमारा वीडियो था उसमें भी हमने काफी बेस्ट मूवीज को कवर किया था, तो आप उस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। और मैं मिलता हूँ आपसे कल यानी नेक्स्ट वीडियो में। तो लॉकडाउन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए और मास्क का यूज जरूर कीजिए। तो इजाजत दीजिए बस आज के लिए इतना ही।